साल 2007-08 में पुसोर ब्लॉक में जिस कंपनी की स्थापना के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता नंद कुमार पटेल ने विपक्ष में रहते हुए एक बड़ा आंदोलन किया था, आज उसी क्षेत्र से उनके बेटे उमेश चंद कुमार पटेल विधायक हैं। उमेश पटेल छत्तीसगढ़ शासन में उच्च शिक्षा, रोजगार व युवा कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र में आज स्थानीय युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं। बरसों पहले कोरबा वेस्ट कंपनी को अपनी जमीन देने वाले लैंड लूजर सालों से स्थानीय नौकरी की मांग कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण के समय जिला प्रशासन के समक्ष प्लांट प्रबंधक और भू प्रभावित किसानों के बीच जो अनुबंध तैयार हुआ था, उस अनुबंध के मुताबिक प्लांट प्रबंधक ने अपने किए हुए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। जमीन लेकर उद्योग तो खड़ा हो गया, लेकिन सालों से किसान जमीन मुआवजा और स्थायी नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। नतीजतन आज स्थानीय लैंड लूजर आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। किसानों के समर्थन में युवा कांग्रेसी नेता व जिला पंचायत सदस्य आकाश मिश्रा ने भी प्लांट प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में प्रभावित किसान प्लांट के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते दिखे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कोरबा वेस्ट पावर को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। प्लांट में जिन लोगों को नौकरी दी गई है उन्हें ठेकेदार के काम दिया गया है। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद भी युवाओं को 10 से 15,000 महीने की दर से वेतन दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें अडानी कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में ही ज्वाइनिंग दी जाए और उन्हें तनख्वाह भी उसी हिसाब से दी जाए। बताएंगे आज आप लोग एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, काफी लंबी रूट देखा भी है, इसकी क्या वजह रही है जो यहां आज आप वैसे बैठे हुए? जी, ये अडानी कंपनी के खिलाफ में हम आज रोड में आके बैठे हैं। पिछले 10 साल पहले अडानी कंपनी ने हमारी ज़मीनों को औने पौने दाम में ख़रीदा, एक अनुबंध किया कि हम हमारी योग्यता के हिसाब से अडानी पेरोल में हमको नौकरी दी जाएगी। आज पर्यंत तक हमारे 90% लोगों को नौकरी नहीं दिया गया है। जो 10% लोगों को नौकरी दिया गया उनको भी ठेकेदार के अंडर में नौकरी दिया गया है, उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। मजबूर होकर हम आज अपने अधिकार के लिए रोड में आके बैठे हैं। बताएंगे उस समय भी जब स्थापना हो रही थी दो के उस समय भी एक बड़ा आंदोलन था और आज आपकी सत्ता होते हुए भी आप लोगों को जमीन पे बैठना पड़ रहा है अपने अधिकारों जी में देख रहे जी। पिछले समय 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हम अपने अधिकारों के लिए जमीन में उतरे थे। जमीन में उतर के हम अपने अधिकारों के लिए जिला प्रशासन के समक्ष एक अनुबंध बनवाए थे त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से, परंतु 10 साल में त्रिपक्षीय वार्ता के अनुबंध के जो द पॉइंट थे उसमें किसी भी नियम को यहाँ क्रियान्वित नहीं किया गया। आज मजबूरन हमें फिर से ज़मीन में बैठना पड़ा है और मैं रूलिंग पार्टी का छोटा सा हिस्सा हूँ, पर मुझे अपने सरकार पे भरोसा है, हमारी सरकार किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देगी, इसलिए मैं आज किसानों के अधिकार के लिए उनके साथ में बैठा हूँ। मेरा नाम घनश्याम गर्ग है और इधर HR डिपार्टमेंट में हूँ मैं। बताएंगे आज जो लैंड लूजर्स हैं वो बैठे हुए हैं, क्या कुछ उनकी डिमांड्स हैं अब तक जो आपके पास आई हैं? नहीं, उन डिमांड्स के बारे में तो आपको भी अभी विदित किया जा चुका है एंड आप सभी जानते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पे जितने भी लैंड लूजर्स हैं उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली है? नहीं, योग्यता और उपलब्धता के अनुसार जो है वो मैक्सिमम लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि कंपनी रोजगार मुहैया कराने का कंपनी का काम है, रोजगार मुहैया करा रही है वो। जिस भी तरह से यहाँ पे जो भी जिस तरह से रोजगार प्रदान किया जा सकता है वो रोजगार मुहैया करा रही है। नहीं, उनकी जो भी मांगे हैं, आज की भी जो मांगे हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं और जो भी उसका सॉल्यूशन जिनका कर पाएंगे हम वो जरूर करेंगे। समस्या है उनकी, अभी तक क्या विचार आप लोगों ने? नहीं, 10 साल की नहीं, 10 साल का समस्या नहीं है। जहाँ जब से ये कंपनी आई है तब से जो काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो रोजगार है वो अपने लोकल लोगों को ही उसमें दिया गया है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि इनका जो कहना है, इनका जो आरोप है वो गलत है? नहीं, देखो नहीं, देखिए आकांक्षाएं सबकी होती हैं और अब महत्वाकांक्षाएं होती है और अपन आगे से आगे बढ़ने का सोचते हैं। अगर अपन वो नहीं करेंगे तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सबका सोचना होता है ऐसा। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ है? नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है
और कंपनी का ये पॉलिसी भी है, सोचना भी है कि मैक्सिमम रोजगार स्थानीय लोगों को देता है। कंपनी अगर तरीके से सही है तो आज ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, कंपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मैं आपको बोला ना कि सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और महत्वाकांक्षा अगर नहीं होगी व्यक्ति की तो आगे वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज अ वेरी स्पेशल पार्ट और वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ।